बरनाला के गांव बड़बड़ में जमीन के टुकड़े के विवाद को लेकर एक महिला के कत्ल उपरांत आज पीड़ित परिवार ने गांव के लोगों के साथ पुलिस कार्रवाई से असंतुष्टि जताते हुए मृतक महिला की डेड बॉडी को बठिंडा चंडीगढ़ हाईवे पर रखकर जाम लगा दिया और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। घर वालों का आरोप है कि पुलिस ने पक्षपात करते हुए दूसरे मुलजम का नाम पर्चे से बाहर कर दिया है। इस रोष में घर वालों ने गाँव वासियों के साथ मिलकर चंडीगढ़ बठिंडा हाईवे को जाम कर दिया। मृतक महिला का शव रखकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की गई और इंसाफ न मिलने तक डेड बॉडी का अंतिम संस्कार न करने की चेतावनी भी दी गई है। मेरी बहन रजिंदर कौर का कत्ल करता बलदेव सिंह ने थे कुलदीप सिंह ने एक बंदा उन्होंने नाल हो रहा नाल उन्होंने प्रौना भी उनकी भैन बनवाई है अज तक नहीं आए मरवाउन च उनकी भरजाई भी मरवाउन च पुलिस ने मेरी गल भी लिखाई आ मेरे नाल इतना इतना मेरी भैन नाल हुई आ फिर पुलिस वाले ने सानू असी घरे आ गए दोवें साली भरवाइया गड्डी वाला मुंडा सानू घरे लेके आ गया जब असी घरे आ गए सानू पुलिस ने फोन करता है भी आके साइन कर जो फिर असी घरों असी गए साइन करने वास्ते सानू कहिंदे ने आस परचे ते साइन कर दो असी अनपढ़ असी नहीं आखिया सानू पढ़ के सुना दिओ उन्हें पक्के परचे ते साथों अंगूठे लवा ले असी अनपढ़ मेरा भणवैया भी अनपढ़ मैं भी अनपढ़ हाँ हुण असी आपदी भैन का संस्कार करन लगे ने वेखिया भी वह परचे नकल ले लगे साडा वो फौजी बंदा पैसे खवाउंदा साडा परचा ना बदलता होवे ਵੇਖਿਆ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੱਢਤਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਕੱਢਤਾ ਏ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਪੁਲਿਸ ਪੈਸਾ ਖਾ ਗਈ ਆ। बरनाला से मनोज शर्मा, जीवे पंजाब टीवी।